कदीम ईरानी अखायमेनन हबत हिंदू चवंदा हुआ उन्हें सबत सिंधु देश जा लेखारी दोस्तों भली करे आया जी करे आया हक मौजूद शमशेर अल हैदरी से जैसे मां हक मौजूद चई मिल तो हु जवाब में चवंदो आहे ना हक मौजूद इहो इमोशनल रिएक्शन एक ही सदी के सिंध के सीनियर तरीन शायर जो है 17वीं सदी के पोए दहाके 18वीं सदी के परे अथ जे अजीम सिंधी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई चयो त अध्यो काओ कच माणकन मोट थी पलय पायो सच अच्छी दे लज मरा शाह सचल सामी वारे अजीम अदबी टुकुंडे जे हिकड़ी बी कुंड मां आवाज अचे तो माथ करियां त मुशरिक थियां पुछा ता काफर इन ये वाई ये बर समझे को सचे दिनो चे आई इने अदबी ट्रिकुंडे जी ट्रिकुंडे चे थी ना हक जीर ले तो करमन जे कुल पत में बिना भगत भगवान जे भ्रम की न फुले तदी गंड खुले जड़ी सामी मिले सरूप सा सो असा सा जे की नाहक थियन था शायद उन जो हिकड़ो कारण यो आहे असा जा कर्म किना है हक आई ना हक जे इन कॉन्सेप्चुअल डिबेट में मां एकड़ो भिटाई जो बेत पढ़ुस जेको ससिए जे हवाले सा भिटाई साहब लिखो कै जे घेड़ घिड़ी जिया अवतड़ा तड़त सालम घिड़ी सोनी कुनन की न कयोस अहोस अखड़न में पिरन जो पयोस हका हक थियोस हुई तालब हक जी इने हक के अज जे सणन के असा सिंधी रोजानो गजर ई मूरिया वांगुर कोंदा नु गुजरेल सालन जो रिपोर्ट यो आहन त असा सरासरी तौर ते ब औरतू असा सिंध वारा सिंधी रोजानो कुछु आहन अलबत हिन साल 2004 में असा के एहसास थियो त असा जो त इंडस्ट्रियलाइजेशन सां ताल्लुक आहे असा त सिविलाइज्ड माण्हू आहियूं इन जे करे पोइ असां कस खाई हिन साल सिर्फ़ 300 औरतुनि खे क़त्लु कयो आहे मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त असां जा असांजो हेरिटेज छा आहे ऐं असांजा जो अमल छा आहे तॾहिं त शमशेर चवंदो आहे त असांजे 30 खां पोइ जेके सिंधी राइटर पैदा थिया आहिनि से ग्राउंड रियलिटीअ जो घणो जाइज़ो नथा वठनि पर असां ख़ासि करे मथे ॾिनल डेटा जे बुनियाद ते जेकॾहिं एनालिसिस कई वेंदी त साबित थींदो त असांजे फ्यूडल कल्चर मुताबिक़ हक़ माना मर्द ऐं ना हक़ माना औरत सिंधी ॿोलीअ जे जदीद लुगत में इन्हनि ॿिनि लफ़्ज़नि जी माना ईअं लिखणु घुरिजे इहो असांजो फ्यूडल कल्चर आहे सो साईं इन मां अंदाज़ो लॻायो त असां शाह सचल ऐं सामीअ जा केॾा वॾा पोइ लॻायूं असां सिंधी ॿोलीअ जे वॾे में वॾे शाइर जे कलाम में इस्तेमालु कयल लफ़्ज़नि जो 50% मस सम्झंदा आहियूं जॾहिं त कराचीअ में रहंदड़ असांजा ॿार न के नाखुन सॾींदा आहिनि सिंध जे वॾे में वॾे मुहक़िक़ भिटाईअ जे पारकू डॉक्टर नबी बश खान बलोच तरफ़ां तरतीब ॾिनल भिटाईअ जे लुगत मां बाने खान शेख जीमैन मुंघाणीअ ऐं रहमान पालारीअ जेके ग़लतियूं कढियूं आहिनि से अछे ते कारे तौर ते महफ़ूज़ आहिनि हाणे त असां वटि अहिड़ा जवान बि पैदा थिया आहिनि जेके चवनि था त अचो त भिटाई जे बेतनि में तसहीअ करियूं ऐं भिटाई जे ग़लति इस्तेमालु लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि उहे कढी उन्हनि जी जाइ ते सही लफ़्ज़ लिखूं इन हवाले सां असांजे हिकिड़े सिंधी अदीब ऐं शाइर तजवीज़ ॾिनी आहे त भिटाई जे हिकिड़े बेत में इस्तेमालु कयल लफ़्ज़ नॉम कढी उन जे
जी जाय ते उन जो को सिंधी मुतबादिल लफ्ज लिखियो वने जो सब कुछ असा यो जान दे करे रहया हूं त भिटाई शायरी ए बोली असा गद मौसीकी जो भेदो वडो जानू हो जो न तंबूरे में बिन इजाफी तारन बिन इजाफी तारन जो वाधारो करे वरतो हो जडे त असा के को कलाम बुधंदे खबर न पोंदी आ त गायनो यो कलाम केडी रागणी या राग में गाए थो पर कोई दफा पान के भिटाई का वो शायर साबित करने के चक्कर में आयो खुलम खुला चई रहा हूं तो भिटाई तनकीद का छो भला बाला तर है जब तो असा सुरबाटन में ये चई रहा हूं तो भिटाई के बेतन में फैश निगारी है उन्हें के बेत इखलाक का किरियल है लंडियो लख लहन के अचीन की आम के से सतियों को कचन के साढ़े रखन सील के लक्ष्मण साहब ये बेत पढ़िया इन बेतन की खंदी है सिंध में खास एकड़ी कंट्रोवर्सी हली है सचल त आहे काफर शायर जी नूरी नारी नाहा यारो आहा रब जबार मुखे बेदर छाती पाए नूरी नारी नाहा यारो आहा रब जबार भेनर मुखे छाती भायो नौ बिल्ला एड़े शायर के जे चवण ते केर हलदो भला ब्लास्फेमी ला में फांसी खाणी त ना है बाकी बचो सामी तो जे मुसलमान हो गया उन्हें कलाम के विचार हेठ जरूर आ गया इन्हें सिलसिले में इन्हें सिलसिले में भिटाई साहब एक बेत लिखा एक बेत में उन मुसलमानों के मुखातिब कर बे बेत में उन हिंदू के मुखातिब कर मुसलमानों के मुखातिब थी भिटाई साहब चो तो जे बेशर्क भाई पान के आयन शिर्क ईयो विन्याय वजूद के पाना पासे थी हदे कोने ही भूपड़ कोने हिनरे ऐ हिंदू के मुखातिब थी दे बिटाई साहब जो तो कूड़ो तू कुफर सी काफर म को ठा हिंदू हद म आहिए जड़ियो तो म जुगार तिलक तिनी के लाए सचा जे शिरक सी हकई सच जे हन जितो जद में भिटाई लरगो वक्त जे जालिम हुक्मरानन बहरूपी मानन लालची नफे खोर वापारे ने आशकन दे विच में विथ्यू विझंदड़ फ्यूडल तरंदन के मोते सच चयो आहे पर खुद पंजे आदर्शी किरदारन के भी नबख्शो अथस जैं किरदार लाए हुने चयो तो ससुई लगी सो मर्द जैं मात क्या उनते चुलह कंदे चाहिं तो सुतिय पेर ड्रिघा करे बड़ी जाड़ कया जे दर भर उभी सजुड़े त सुस पुस हूंद सुयाय असल आरी जाम जी सगी तूम सियाय पुनवसी प्याय सी निभागी निजू करी सत्तई सील जे देवीय मारियो के मुखातिब थींदे भिटाई साहब तो चे ते ही मोहंदे बन तू वेखाई नमरी ताजे मलीर जायूं तोसी संग मकन किया मझा तू तन पान कोठाई मारू जै सोनी के इश्क जो आला सर्टिफिकेट दी दे चाहिए तो हलो तो पूछो सोनी जा कर जाने नी तैंखे मुखातिब थी दे भिटाई साहब चयो तो दिए गुजारी दम सी रातु वट बेहा खई वेई पार ते आ बुडी सोनी राय ब्याज जै संगीत ते सर दे छियो उन के बार बार याद दियारी त ई सिखणो सखणो सिर आहे सिर में सजण नाहे तो कुर्बान करने में बेरम छदो करी मणे वथा महबूब के कुर्बान करने ते लीला ते झुलहु कयाई जिन महांगे लाए मेड़ियो से मूदी सब मरन नफे खोर वापारन के ये चै मुलन के चै त दिसी पसी अलाह का टुबियो हनन धूड़ में आई पाजे पेरो कारण के चै त की सुम की जाग खाओ अधूरो अन्न तजा मूरत तुझे मन तह मुशाहिदो मानी सो अमा जेके सिंधी अदब जो ट्रिकुंडो कोठो था सो ट्रिपुर पासो ट्रिकुंडो ना है उन जो हिकड़ो पासो बाकी बेन पासन का तमाम गणो भारी है जे वरक बनाई भी है ता अखर बड़ो ही फेकड़ो बाकी सामी ऐं सचल बराबर बड़ा शायर आहन रोहल वदीम शायर आहे जें चयो हो पिपर में परमेश्वर किरण में को बियो ग्रोहड़ी साहब कमाल जो शायर है ज
जै चयो तो फोड़ाए फराक जो कदर पूजड़ियो न बियो तिन मायरन पुट जनी पर दे रिया एड़ी तरह शाह करीम शाह इनात या क्लासिकल शायर पजो बट पान हैं इन सभी सिंधी क्लासिकल सूफी शायरन जो सागो मकसद हो अमन अदम तशद्दुद प्यार ए सेक्युलरिज्म यो सनन शायरी जो फलसफे वारो पासो हो बाकी शायरी जे फन ए बोली जे महारत जी गाल कभी तपो भिटाई हरफे आखर हुंदो डॉक्टर सोरले सही चाहे हो तो सिंधु माथरी में खास करे सिंध ए पंजाब में बड़ा बड़ा सूफी शायर थी गुजरिया हैं पर भिटाई ए फरीद स्कॉलरली पोएट्स आए जरूरत इन गाल जी आए तो असा भिटाई खास सिंधी सिखाऊं ऐं पोइ जॾहिं सिंधी सिखी वञूं त पोइ रिसाले जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन करियूं हिन वक़्तु असांखे पाण सिंधी कान थी अचे ऐं हलिया आहियूं फिटाईअ खे सिंधी सेखारियूं अॻे ईअं हुयासीं अॻे ईअं हुयासीं जीअं झूमक झूड़ा कतीअ शायरीअ जे फन जो अंदाज़ो लॻायो अॻे ईअं हुयासीं जीअं झूमक झूड़ा कतीअ हाणे ईअं थियासीं सांझेड़े जीअं सुपरी सांझे टाणे हिकिड़ो सिंगल सितारो उभरंदो आहे ओलह जे पासे खां सॼे आसमान में हिकिड़ो सितारो हूंदो आहे उनजे ओसे पासे में ॿियो को तारो न हूंदो आहे हाणे ईअं थियासीं सांझेड़े जीअं सुपरी चई तवक दहलिया जित तवक जवा बिड़ांदन उठनि खे तवक दहलिया जित गोरा हलनि गस ते चौसालाई ने चलना थी तंग निहारे तित सुधी उन्यन ने सैयद चे कोई पांचारन प्रित पंजन दंदनारन उठन थे पांचारन प्रित इन अड़ागे पंथ जी का नेशन कोई निरत ऐ नेशन वारो को फुल जो को अगर ग्रोन अप जो उठ दी लो ससवी ससवी वदे सत्य जा एहिया पंथ पर करे हिताई के समझण जे लाइ ऐं फिटाईअ जे मुताले करण जे लाइ जंहिं एफर्ट जी ज़रूरत आहे इन उन ते सोचींदे सोचींदे मूंखे हिकिड़ो वाक्यो यादि थो अचे 2001 में वर्ल्ड सिंधी इंस्टीट्यूट वारनि ओवरसीज़ सिंधी वॉशिंगटन में हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस कई हुई उन में प्रोफेसर सतीश कुमार रोहिड़ा साईं कीरत बाबाणी ऐं मरहूम मलकाणी साहबु मौजूदु हुआ ऐं ॿिया जेके सिंध खां अदीब विया हुआ उन्हनि उते गॾिजी जेका कचहरी कई हुई जेका रिहाण कई उन में हिकिड़ी सलाह इहा पैदा थी हुई त हिकिड़ी बैन अल-अक़वामी सिंधी यूनिवर्सिटी क़ाइमु करणु खपे पर पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे सरहदनि खां ॿाहिरि छाकाणि त इन्हनि ॿिन्ही मुल्कनि जी का ख़बर नथी पए त हू कॾहिं अमन था कनि ऐं कॾहिं जंग था कनि इहा सलाह हुई त इहा हिकिड़ी बैन अल-अक़वामी सिंधी यूनिवर्सिटी क़ाइमु कई वञे ॿिन्ही मुल्कनि जे सरहदनि खां ॿाहिरि ऐं ख़ासि करे अमेरिका जे गादीअ वारे शहर वॉशिंगटन डीसीअ में उन जो मक़सदु हुजे कल्चर लिटरेचर एंथ्रोपोलॉजी जियोलॉजी ऐं लाइफ ऑफ सिंध जे हर शुबे ते रिसर्च कराइणु ऐं इल्म जे मैदान में सिंधी शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि खे इंसेंटिव ॾियणु ऐं बाक़ी प्रोफेशनल लेवल ते कमर्शियल वायबिलिटी उनजी एंश्योर करे ऐं उनखे यूनिवर्सिटीअ जे तौर ते हलाइण जी सलाह निकिती हुई हींअर जेके डेलिब्रेशन्स हिते थी रहियूं आहिनि उन्हनि में मुंहिंजी इहा हिकिड़ी गुज़ारिश आहे तव्हां इन आइडिया खे बि तेज़ सोचो त हिंद सिंध जा जेके सिंधी राइटर आहिनि ऐं दानिश्वर आहिनि ऐं जेको सिंधी डायस्पोरा आहे जेको दुनिया जे मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वेठो आहे उहो कंहिं अहिड़ी जाइ ते उहा यूनिवर्सिटी क़ाइमु थिए जाते हू सभु लही सां अची सघे ऐं उनखे कंट्रीब्यूट करे सघे असां सां जेके मसइला आहिनि मिसाल असां जी ॾाढी ख़्वाहिश आहे त असां वटि प्रोफेसर सतीश कुमार रोहिड़ा हिते अचे लेक्चर ॾिए असां उन खां मालूमात हासिलु कयूं सिद्धत ते उन खां मालूमात हासिलु कयूं आई टीअ में जेका डेवलपमेंट इंडिया में थी आहे असां चाहियूं था त प्रोफेसर डॉक्टर खूबचंदाणी हिते असां वटि अचे असां हुन खां इंटरव्यू कयूं असां हुन खां एक्सप्लोर कयूं त असां सिंधी ॿोलीअ खे कंप्यूटर ते कीअं आणियूं हींअर जेको बुरगिड़ी साहब ऐं ॿियनि काफ़ी दोस्तनि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी
बदर अबड़ो साहब ए केतर दोस्तन खानगी और सरकारी अदारन एतरी कोशिश कई है जो हिंसर सिंधी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज पर उनके अजा बधाने की जरूरत है असा जे जी ख्वाहिश है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो रिकॉर्ड है जो ठटे में कोठी हूँ सिंध में बेन जाय डेल्टा में उनकी मालूमत जो अस हासिल क्यों असके असा ख्वाहिश है तो भिटाई जहाँ इंडिया में जो आसार है मॉन्यूमेंट्स हैं उनके मेमोरी से रिलेटेड जो साइट्स हैं जर अस दिसूँ उन्होंने एक्सप्लोर क्यों हिंसर असि सूरत यहाँ है तो कराड़ ढंड में पानी को सिंध में पानी जो डुकार आई है रोहिड़ी केनाल में शाख थी निकरे लखीसर उन नालो आ पानी कराड़ ढंड में इंदो है कराड़ ढंड एक मॉन्यूमेंट आ मदन फकीर भिटाई साहब इन कराड़ ढंड में वेजदा लिक छप खेलता हा हाइट एंड सी क्राड खेलता तो मदन फकीर अगमे माथो लिखा भिटाई खींची तू मुख्य गोल मदन फकीर तुम्हें रही हल वो भिटाई साहब उनके वही गोल आया मदन फकीर पर ख्याल कर तो वही बिस्त वही दोदख में लिखा पर पोची तो मुसलमान समझा तो हिंदू सभी दोदख में वेंदा इन के भिटाई साहब आसानी से गोले वो इन बिस्त में वही तो लिखो बिस्त के कुंड में वही मदन फकीर लिखो तो भिटाई साहब गोले आया वो वे भिटाई साहब जो वारो आया उन चाहे तू लिख तो तुझे माथो गोलिया वो चौड़ारा चवन था तो मदन फकीर भिटाई साहब के न गोले सको पोची तो ना हूँ तुझे को गोले मेहरबानी कर तू बाहर अच वो भिटाई साहब बाहर आया पुछी काथे लिखे हैं कि तुझे आदो पानी में जी दर हूं उन्हें में हल कर वजूद तुझे आदो हो पर तू मुझे दिसी न पे सके मदन फकीर भिटाई साहब जहाँ किस्सा है मां एक दोस्त का पुछो तो मदन फकीर की समाधि किथे उन मुख्य तो साई मदन फकीर वसियत कई हुई तो मुख्य उन जाय ते पूरजो जाते भिटाई साहब की जियारत करण वाला मानू पैर रही एक अंदर मुख पर माना उन चाठ के ओरे पास का तो अस जैसे उन चाठ के वही पेरे पौधा तो एक टिकट बजा वह मदन फकीर जैसे भी भिटाई साहब के महफिल में इंदो हो तो भिटाई साहब उथी बीह हो उन मुड़ी तो चो तो सही वो काफर तो अचे तो उथी था बीहो तुथी था बीह ये तो न क्यों जी बाबा वो आलम मानू काबिल मानू उनकी इज्जत करें खे जी तो साई छो हर भरू जो संगती है इनकर मड़े तुम घर था वो जी न अड़ी गाल आलमू तो करो तो वही चौस तो भिटाई मोकिलो मदन भिटाई तो चे तो तू बुधा तो तू केर मां केर मुरीद बया वही पुछ मदन फकीर का अल भिटाई मोकिल तू केर मां केर जी चौस वही तो तू धूड़ मां छाई मोटी आया मुरीद रंधो कावड़ जी साई पान के तो भली धूड़ कोठे पर तहां बुजुर्ग के छाई कोटी थी अरे बाबा जी गाल के समझने की कोशिश कर वो मरी वो तो उनके साड़ी था जो धूड़ थी वी मुख्य पूरे छी तो एकड़ो बो किस्सो बुधाय तो मदन फकीर भिटाई साहब वेठा तो भिटाई साहब की जुती जहाँ है उनके इतफाक से मदन फकीर जो ये मथे खो तो ची ऐसी एडो वो बार भिटाई साहब चे सदन जो सफर शामिल है तो भिटाई साहब की ग्रेटनेस इन में ही उन ट्रैवल किया हो असि ट्रेजिडी यहाँ है असि सिंध कान डिठी आ मुख्य जैसे खबर पी तो हिंदुस्तान में असा दोस्त आया सिंधी राइटर्स आया तो चाहते जो बदर ही उन्होंने कारूजर जबल वी हलूँ सौ तीर्थ से कर अस जैसे बदर ही व्यासी नए गाज के मुँह से तो उत असा बुधा तो इनके तीर्थ कुबी चवंदा एक स्ट्रक्चर आया मौजूद आ उनके तीर्थ कुबी चेज तो अंग्रेजन जहाँ भित ठाई जो नए गाज के आडो दिनन जैमा उन सत कैनाल कटा बिल्कुल इं सखर बहरे जहा इन अस चवंदा तो गाज न is the the largest irrigation system of Sindh mountains ta ute tirath kubi hai ai une bhit ke han aam taur te ek bar tir bhit likhan tir bhit jo ek bar shortcut me dado dilchasp hota hai investigate kon karta hai te nishay jo asli nalo chahe ine jo tirath bhit nalo hai Sindh je beshumar jayan te water worship centers hai
ये तो बड़ा मकाम आहन जेके असन जे दोस्तन जे प्रोग्राम में आहन त वो साथ मिले सुदा भगत कवराम जी समाधि सुदा पर थर में गाछे में जबल में कच्चे में आई इंडस्ट्री किनारन पे बेशमार एकड़ा हिंदू धर्म जो पाक जाईवा एकड़ शहर में है मिसाल जो ही शहर के बीच में एकड़ो मंदिर आ जो चौधरी उन के एंक्रोचमेंट की भैया दिल पई चेत जेकर असा पैसे वाला हो जुआ या का पैसे वाली धर हो जे जेका उनन घरन जे मानन के मुआवजो दई उहे घर खाली करे उन के स्पेस ठाहे एकड़ा जंगला दई उनन के छकाते हेरिटेज साइट्स आहे पर खुद असा जे हेरिटेज साइट जो आलम यो आहे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोन जो दड़ो अमा जने हाने घुमण भी तो उन जी हालत छदो इट्स क्रम्बलिंग टू डस्ट पर आ गालियो घणियो आन सजो दे पियो ते ये पेरिनल पैथा सा सिंध जो नखटदो आडी खुशी थी छकाते प्रोफेसर सतीश कुमार रोहड़ा साहब सा आगे मुलाकात उते वाशिंगटन में थी साईं मोती साथ कराची प्रेस क्लब में वो एक फंक्शन थियो साईं जेटले साहब जा किताब पढ़ी आई मां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ला अंग्रेजी में किताब लिखो सिंधी लैंग्वेज एंड लिटरेचर सो इट इज हाईली इंस्पायरिंग आई साईं एमएच पवन तो बैठो आ है वो तो असा के एडो तफसील सा गाइड करदो आ है यानी हुनत जो को संस्कृत ते सिंधी ते चैप्टर लिखो आ है इट्स वर्थ रीडिंग आई थैंक यू सो मच सर